তাহলে খেলা হবে বিদেশ বসে খেলা কি বিদেশ একটা বল মারো দেখি। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत पश्चिम बंगाल के 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव कराने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल में होने वाले उपचुनाव में भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाहती हैं। चुनाव आयोग द्वारा तारीख के ऐलान के साथ ही भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र बैनर व होर्डिंग से भर चुका है। भारी मतों से ममता बनर्जी जीत हासिल करें, पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। चुनाव के नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के हाथों चुनाव हार गई थी। संविधान के मुताबिक ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना जरूरी है। अगर वह चुनाव नहीं जीत पाई तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ममता बनर्जी के लिए तृणमूल विधायक शोभन चट्टोपाध्याय ने यह सीट छोड़ दी है। 13 सितंबर को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले ही ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से नामांकन करेंगी। आपको बता दें, इससे पहले बंगाल में उपचुनाव में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे। साथ ही तृणमूल का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर जल्द से जल्द चुनाव कराने की अपील की थी। ममता ने कहा था कि बंगाल में जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, वहां पर कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। ममता बनर्जी ने सवाल किए थे कि बंगाल में कोविड-19 संक्रमण का दर घटकर 1.5% रह गई है और यह स्थिति उपचुनाव के लिए अनुकूल है। ममता के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया था। भाजपा ने कहा था कि ममता बनर्जी उपचुनाव कराने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए चुनाव जीतना अनिवार्य है। भाजपा के बयान पर ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा था कि भाजपा उपचुनाव की मांग इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसे पता है कि वह एक भी सीट नहीं जीत सकती। चुनाव आयोग द्वारा तारीख के ऐलान के साथ ही भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र बैनर व होर्डिंग से भर चुका है। भारी मतों से ममता बनर्जी जीत हासिल करें, पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। चुनाव के नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के हाथों चुनाव हार गई थी। संविधान के मुताबिक ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना जरूरी है। আপনাদের উদ্দেশ্যে